पृथ्वी के बिल्कुल नीचे सदर्न सी में मौजूद ये महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो इंडिया से 4 गुना, पाकिस्तान से 15 गुना और अमेरिका से ऑलमोस्ट 1.5 गुना बड़ा है। जिसकी इसी वास्टनेस के चलते इसे कैप्चर करने के लिए 1950s में कई पावरफुल कंट्रीज की आर्मी आमने सामने आ चुकी थी। बट अचानक कुछ अजीब हुआ और सभी देशों ने अंटार्कटिका की इस जमीन से अपना क्लेम छोड़ दिया। पर आखिर क्यों? इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये है कि दुनिया का ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप आज से 200 साल पहले तक दुनिया के मैप से गायब था, क्योंकि हजारों सालों तक अलग अलग कंट्रीज और एम्पायर्स के एक्सप्लोरेशन के बावजूद भी 18th सेंचुरी तक तो इसे कोई ढूंढ ही नहीं सका था। मानो ऐसा कोई महाद्वीप पृथ्वी के साउथ पोल पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। कई एक्सप्लोरर्स को तो इस महाद्वीप को ढूंढने में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था और जो इस पर पहुंचे भी उनकी भी इस जगह के एक्सट्रीम ठंडे टेम्परेचर और बंजर जमीन ने जान ले ली। पर आखिर इन हजारों सालों से इतना बड़ा महाद्वीप कहां पर छिपा हुआ था? फिर आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, आज से ऑलमोस्ट 1900 साल पहले ड्यूरिंग 100 AD फेमस रोमन एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी ने साउथ में एक बहुत बड़े लैंडमास के होने की बात कही थी, जिनका लॉजिक ये था कि क्योंकि पृथ्वी के नॉर्थ में और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा जमीन मौजूद है, इसलिए उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उसके नीचे यानी साउथ में भी काफी बड़ा जमीन का हिस्सा होगा, जिसे 2nd सेंचुरी में ग्रीक ज्योग्राफर मैरिनस ऑफ टायर ने अपने एक मैप पर अंटार्कटिका नाम दिया, क्योंकि इस इमेजिनरी महाद्वीप के अंटार्कटिक सर्कल के पास कहीं होने की बात कही जाती थी। लेकिन इस नाम को इस दौरान कुछ ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। इसके बाद फेमस रोमन स्कॉलर ने इस इमेजिनरी महाद्वीप को एक और डिफरेंट नाम दिया, जो था ऑस्ट्रेलिस। हाँ, जो नाम आज हम पृथ्वी के इस महाद्वीप के लिए प्रयोग करते हैं ना, ओरिजिनली इस नाम को अंटार्कटिका के लिए पहले कॉइन किया गया था। वेल, ये स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखो, आज से ऑलमोस्ट 500 साल पहले 15th सेंचुरी तक दुनिया का मैप कुछ ऐसा दिखा करता था, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया तो नहीं दिखेगा, लेकिन पृथ्वी के बिल्कुल साउथ में टेरा ऑस्ट्रेलिस नाम का एक बहुत बड़ा महाद्वीप दिखेगा, जो कि मैप मेकर्स ने इस महाद्वीप के फेमस हाइपोथेटिकल कहानियों से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। बट लेट 15th सेंचुरी तक कई एक्सप्लोरेशन के बाद ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि साउथ में इतने बड़े साइज का कोई भी महाद्वीप मौजूद ही नहीं है। पर क्या सच में? वेल, नहीं, क्योंकि सन 1604 में डच एक्सप्लोरर विलियम जांस जून ने साउथ सी में एक बड़े महाद्वीप की डिस्कवरी की थी, जिसे नाम दिया गया न्यू हॉलैंड यानी सदर्न लैंड मास। इस समय कई यूरोपियंस को लगा कि हाँ, यही अर्थ का लॉस्ट कॉन्टिनेंट हम इतने हजारों सालों से ढूंढ रहे थे। लेकिन जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के एक्सप्लोरेशन के दौरान यूरोपियन कंट्रीज समझ गई थी कि यह महाद्वीप उतना भी बड़ा नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, जिसके बाद कई यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर सदर्न सी में कई और बड़े एक्सप्लोरेशन मिशन किए, जो मिशंस इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इन एक्सप्लोरेशन मिशंस के दौरान कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि सदर्न सी को दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक माना जाता है, जहां केवल बड़ी समुद्री लहरें ही नहीं बल्कि समुद्र में तैरती बड़े बड़े बर्फ की शार्प चट्टाने भी आपके जहाज के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती थी, खास करके तब जब आप 18th सेंचुरी में हैं, जहां आज के जैसे ना तो कोई GPS टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई रडार सिस्टम था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पर आपके पास केवल एक कंपास और एक घड़ी था। नेविगेशन मोस्टली आपको अपने एक्सपीरियंस पर करना होता था। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस समय मोस्टली जहाज इंसानों के द्वारा चप्पू चलाकर या फिर सेल क्लॉथ के जरिए समुद्र की तेज हवाओं से चलाए जाते थे। लेकिन 18th सेंचुरी तक इन सब एक्सप्लोरेशन मिशंस के रिजल्ट सेम थे, यानी किसी को भी पृथ्वी के नीचे टेरा ऑस्ट्रेलिस जैसा कोई भी बड़ा महाद्वीप नहीं मिला। वेल, अब तो दुनिया को यह भी लगने लगा था कि शायद वहां कोई महाद्वीप मौजूद ही नहीं है, और सदर्न सी में सबसे नीचे की ओर जो महाद्वीप मौजूद है वो न्यू हॉलैंड ही है। जिसके बाद इस बात को ऑफिशियल करते हुए अर्ली 18th सेंचुरी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर मैथ्यू फ्लाइंडर्स ने न्यू हॉलैंड को ही टेरा ऑस्ट्रेलिस नाम दे दिया, यानी जो नाम ओरिजिनली अंटार्कटिका के लिए कॉइन किया गया था वो नाम अंटार्कटिका को ना खोजे जाने की निराशा में न्यू हॉलैंड महाद्वीप को ही दे दिया गया। और क्योंकि उस समय ब्रिटेन एक वर्ल्ड पावर था, इसलिए इस नाम को जल्द ही पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया। और 18th सेंचुरी तक ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने के बाद हमारा मैप कुछ इस तरह का दिखने लगा, जिसमें अंटार्कटिक सर्कल को आप पूरी तरह से खाली देख सकते हो, जहां पर कोई भी महाद्वीप मौजूद नहीं है। साल 1772 में ब्रिटिश एम्पायर द्वारा उनके सबसे बेहतर नेवी ऑफिसर कैप्टन जेम्स कुक
को कहानियों वाले बड़े से महाद्वीप को सदर्न सी में ढूंढने का जिम्मा दिया गया। जिस सफर के लिए कैप्टन कुक को 2 शिप और 192 साथियों की एक टीम दी गई। कैप्टन कुक एक माहिर एक्सप्लोरर और नेविगेटर थे जिन्होंने 1768 से लेकर 1779 तक इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में कई बड़े एक्सप्लोरेशन मिशन किए थे। वो ऐसे पहले यूरोपियन थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया एंड हवाई आइलैंड के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किया था। और इसीलिए जब साल 1772 में ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ने इन्हें अंटार्कटिक सर्कल के इमेजिनरी लैंड को ढूंढने का काम दिया तो वो अपने इस काम के लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे। वो इतिहास में पहला इंसान बनना चाहते थे जिसने पृथ्वी के नीचे में मौजूद एक खोए हुए महाद्वीप को ढूंढा हो। लेकिन कैप्टन कुक का ये सपना सपना ही रह गया क्योंकि करीब 3 सालों तक सदर्न सी की जानलेवा कंडीशन में खोज के बावजूद उन्हें वहां पर इस महाद्वीप का कोई भी अता पता नहीं मिला। उन्होंने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए 17 जनवरी 1773 को समुद्र के कुछ सबसे खतरनाक हिस्से में से एक अंटार्कटिक सर्कल में भी एंट्री कर ली और अपने जहाज और अपने पूरे क्रू की जान को दांव पर लगाते हुए भी खोज की। लेकिन फ्रीजिंग वाटर और समुद्र में तैरती बर्फ के टुकड़ों के अलावा उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। अब कैप्टन कुक के इस असफल एक्सप्लोरेशन के बावजूद भी अभी भी दुनिया के कई सुपर पावर एम्पायर्स को यकीन था कि पृथ्वी के नीचे कोई बड़ा महाद्वीप मौजूद है, जिनमें से एक था रशियन एम्पायर, जिसने 18 सेंचुरी के शुरुआत में साउथ सी की ओर अपनी कई एक्सप्लोरेशन टीम को भेजा, जिनमें से एक टीम को लीड कर रहे थे रशियन नेवल ऑफिसर फैबियन गोटलिएव वॉन बेलिंगशॉसेन, जो किस्मत और अपनी टीम के मेहनत से कामयाब भी हुए और फाइनली 20 जनवरी 1820 में ये इतिहास के पहले इंसान बने जिन्होंने अंटार्कटिका को अपनी आंखों से देखा और इस तरह हमने बर्फ से ढकी इस अनोखी दुनिया को ढूंढ निकाला। लेकिन आखिर ये महाद्वीप कितना बड़ा है? क्या इस महाद्वीप पर जानवर या इंसान रहते हैं या फिर ये ऐसी कोई जगह है जहां पर इंसान कॉलोनी बना सकते हैं? अभी भी ये कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब हमें इस बड़े से महाद्वीप के एक्सप्लोरेशन और मैपिंग करने के बाद ही मिल सकता था। जहां से सफर शुरू हुआ, कई किलोमीटर की बर्फ की चादर से ढके दुनिया के इस न्यूली डिस्कवर्ड 5वें सबसे बड़े और सबसे हार्श एनवायरनमेंट वाले अंटार्कटिक महाद्वीप की मैपिंग का, जिसने इंसानियत के सामने फिर से कई चुनौतियां दी और कई लोगों की जान भी ले ली। नाइनटीन सेंचुरी में दुनिया की अलग अलग कंट्रीज ने कई बड़ी एक्सप्लोरेशन टीम को अंटार्कटिक महाद्वीप को मैप करने और इसे को क्रॉस करते हुए साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने के लिए भेजा, ताकि वो कंट्रीज साउथ पोल पर पहले पहुंचने वाले देश की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आकर इतिहास रच सके। पर ज्यादातर मिशन फेल रहे क्योंकि ज्यादातर टीम यहाँ के एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल ही नहीं पाती थी और कुछ टीम्स के लोग तो अंटार्कटिका को पार करने के दौरान साउथ पोल पर पहुंचने से पहले ही इसकी बर्फ के चादरों के आगोश में समा गए थे। बट इवेंचुअली साल 1911 में दुनिया के 2 देशों की टीम अंटार्कटिका के इस एक्सट्रीम वेदर को पार करते हुए इस रेस में सबसे आगे तक पहुंच गई। इनमें से पहली टीम को लीड कर रहे थे नॉर्वेजियन रोआल्ड एमंडसेन और दूसरी टीम को ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑफिसर रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट। दोनों देश की टीम के बीच रेस काफी कांटे की थी, लेकिन इवेंचुअली 14 दिसंबर 1911 को रोआल्ड एमंडसेन और उनकी टीम ब्रिटेन की टीम से पहले ही साउथ पोल तक पहुंच गई और इस तरह नॉर्वे साउथ पोल तक पहुंचने वाला पहला देश बना, जबकि ब्रिटेन दूसरा। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई क्योंकि साउथ पोल तक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में यात्रा करने के बाद अब बारी थी वापस से इस खतरनाक जर्नी को दोबारा से पार करते हुए शिप्स तक लौटना। अब नॉर्वे की टीम इसमें काफी खुशकिस्मत रही कि वो किसी तरह सर्वाइव करके अपनी शिप्स तक वापस पहुंच गए, पर ब्रिटेन की टीम जिसे ऑफिसर रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट लीड कर रहे थे, उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि 1287 किलोमीटर की वापस कैंप तक का ये सफर उनके और उनकी टीम की जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ और अंटार्कटिका की एक्सट्रीम वेदर, ठंड और भूख के चलते ऑफिसर रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट और उनकी पूरी टीम ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया, जो दिखाता है कि जमीनी सफर के जरिए अंटार्कटिका का एक्सप्लोरेशन कितना ज्यादा खतरनाक था। लेकिन इसके बावजूद भी धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन आगे बढ़ते रहे। कई टीम्स ने अपनी जान गंवाई पर उनके इन एफर्ट्स के चलते इस महाद्वीप के फिलिंग द ब्लैंक्स पीसेस धीरे धीरे भरने लगे और साल 1920 तक हमें अंटार्कटिका का कुछ ऐसा मैप मिल चुका था जिसमें ये वाला हिस्सा मैप किया जा चुका था, जबकि ये रेड रीजन अभी भी अनमैप्ड थे क्योंकि यहाँ की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण यहाँ तक कोई जा ही नहीं पा रहा था। जिन हिस्सों को मैप करने में हमारा साथ दिया 17 दिसंबर 1903 में हुई इंसानी इतिहास की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी ने, ये डिस्कवरी थी
हवाई जहाज की, जिसने इंसानी इतिहास को बदल कर रख दिया और हमें आसमान में उड़ने की आजादी दे दी। तो हवाई जहाज के जरिए अब हम केवल जमीनी सफर के थ्रू ही नहीं, बल्कि आसमान में उड़ते हुए भी बड़े पैमाने पर किसी जमीन को देखकर मैप कर सकते थे बिना उसके एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को झेले, वो भी जमीनी एक्सप्लोरेशन से काफी ज्यादा तेजी और बड़े पैमाने पर, जिसको दुनिया ने भी समझा। और साल 1928 में एक बुलेट शेप्ड एयरक्राफ्ट के जरिए ब्रिटिश पायलट विल्किंस एंड को पायलट कार्ल वैन ईयलसन ने अंटार्कटिका की मैपिंग का मिशन शुरू किया। और ऑलमोस्ट एक दशक तक लगातार इस पर कई और हवाई जहाज के जरिए एक्सप्लोरेशन मिशन किए गए, जिन सक्सेसफुल उड़ान के बाद हमने फाइनली अंटार्कटिका के उन रीजन को भी मैप कर लिया जहां तक कोई इंसान पहुंच नहीं पा रहा था। जिन एक्सप्लोरेशन मिशन के दौरान सुपर पावर सब ये समझ चुके थे कि अंटार्कटिका केवल बर्फ की चादर वाली बेजान जगह से काफी बढ़कर है, जहां नीचे कई बड़े बड़े नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद है जिन्हें कंट्रोल करना किसी भी देश का भविष्य बदल सकता है। और यहां से शुरू हुई एक रेस जिसमें दुनिया की सभी बड़ी सुपर पावर्स अब इस महाद्वीप पर अपना हक जताना चाहती थी। तो साल 1940 तक दुनिया की अलग अलग पावर्स ने अपनी बड़ी बड़ी मिलिट्री स्क्वाड्स को अंटार्कटिका में भेज दिया था, जिसके जरिए ये कंट्रीज अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों पर अपना हक जता रहे थे। साल 1948 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच अंटार्कटिका की जमीन के क्लेम को लेकर टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों ने अपनी नेवी एक दूसरे के खिलाफ तक उतार दिए थे। इसके अलावा ब्रिटेन ने तो अपनी टेरिटरी क्लेम को और पक्का करने के लिए अर्जेंटीना एंड चिले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील भी दायर कर दी। अभी समय तक लग ही रहा था कि जो दुनिया अभी दो बड़े बड़े विश्व युद्ध से बाहर निकली है, वो इस बर्फ से ढकी बेजान जमीन के लिए दोबारा से एक विश्व युद्ध की ओर जाने वाली है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ और इंसानों ने अपने कॉन्कर करने के नेचर को छोड़ते हुए विज्ञान की राह को चुनने का फैसला लिया। देखो, फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड द सोवियत यूनियन एंड 9 अदर कंट्रीज ने मिलकर 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन किया, जिसके तहत अंटार्कटिका में मिलिट्री एक्टिविटी को बैन करते हुए केवल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की इजाजत दी गई। ऑल्सो इस ट्रीटी के जरिए यहां पर किए गए सभी क्लेम्स को भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। तो साल 1970s में अंटार्कटिका पर पहली बार सैटेलाइट के जरिए रडार टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जिसने इंसानों को पहली बार कई किलोमीटर बर्फ की चादर से ढके इस महाद्वीप के इंटीरियर को देखने का मौका दिया, जिस दौरान केवल इस रडार टेक्नोलॉजी की मदद से ही वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के इंटीरियर में 3 किलोमीटर नीचे छिपी ऑलमोस्ट 400 एंशियंट लेक्स को डिस्कवर कर लिया था। ऑल्सो साल 1990s में यहां रशियन साइंटिस्ट द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी सब ग्लेशियल लेक की भी डिस्कवरी की गई थी, जिसे लेक वोस्टॉक नाम भी दिया गया, जो इसकी 3.5 किलोमीटर बर्फ की चादर के नीचे ढकी है। अब वैज्ञानिकों के लिए अंटार्कटिका के ये सभी लेक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज भी इस महाद्वीप के बर्फ के ढकने से पहले यहाँ पर मौजूद एंशियंट लाइफ के कई राज अपने अंदर छिपाए हुए हैं। जैसे कि साल 2014 में यहाँ पर एक लेक में ड्रिल के थ्रू निकाले गए सैंपल्स में वैज्ञानिकों को यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक पूरा ऐसा इकोसिस्टम मिला जो कई मिलियन सालों से इस जगह के बर्फ में ढके होने के बावजूद बिना सनलाइट के मीथेन एंड अमोनियम को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हुए ग्रो हो रहे हैं। अब रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई माउंटेन रेंजेस और 3 गहरी घाटियां मौजूद है, जिनमें सबसे बड़ी घाटी 350 किलोमीटर लंबी और 35 किलोमीटर चौड़ी है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि भविष्य में कोई ऐसा दिन होगा जब ये बर्फ निकलेगी और हम अपनी आंखों से दुनिया के दूसरे महाद्वीपों की तरह अंटार्कटिका की भी इस खूबसूरत ज्योग्राफी को देख सकेंगे, तो शायद ये दिन कभी नहीं आएंगे, क्योंकि नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघलने का मतलब है कि इंटरनेशनल सी लेवल ऑलमोस्ट 200 फीट यानी कि 60 मीटर तक बढ़ जाएंगे, जो अर्थ के मेजर महाद्वीप को कवर करने के लिए काफी होगा। और वैसे भी ऑलरेडी अंटार्कटिका तो सी लेवल से काफी नीचे है, यानी बर्फ पिघलने के बावजूद भी अंटार्कटिका महाद्वीप का मेजॉरिटी हिस्सा समुद्र के नीचे ही डूबा हुआ होगा। वेल दोस्तों, ये थी स्टोरी दुनिया के सबसे आखिरी और 5वें सबसे बड़े महाद्वीप अंटार्कटिका की डिस्कवरी का और इसकी एक्सप्लोरेशन का,
जो कि दिखाता है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अंटार्कटिका के इस बर्फ के नीचे ऐसे बहुत सारे राज आज भी दफन है। इनमें से कुछ राज ऐसे भी है जो हमें एलियंस की तरफ इशारा करते हैं। अब इसके बारे में आप इन डेप्थ में जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो को जाकर देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जहां हमने बात की है अंटार्कटिका में मिले कुछ मिस्टीरियस डिस्कवरीज के बारे में। यहां पे क्लिक करो और इस वीडियो को देखो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।